एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनने का रिकॉर्ड टूट गया, एक मैच में सबसे ज्यादा रन चेज करने का भी रिकॉर्ड टूट गया, हाईएस्ट T20 टोटल का रिकॉर्ड टूट गया, मोस्ट सिक्सेस का रिकॉर्ड टूट गया। T20 का टूट गया तो मतलब IPL में भी सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड टूट गया। और अगर आपने कल का मैच नहीं देखा तो आपने बहुत कुछ मिस किया भाई। कल खेला गया हैदराबाद में MI वर्सेस SRH का मैच, जहां टॉस जीत के मुंबई ने फैसला किया कि जी हम करेंगे पहले बॉलिंग, जो कि सही फैसला क्योंकि बॉलिंग पिच है वहां पे, मगर बॉलिंग करते टाइम उन्होंने बुमराह से प्रेशर क्रिएट करवाने की जगह एक नए लड़के को यानी कि मफासा से बॉलिंग करवाई, जिसके चलते ट्रेविस हेड ने हमें याद दिला दी 19 नवंबर की वो रात। इतना मारा कि धागा खोल दिया। हम बोलते थे ना जाके इंस्टा खोलो, मीम्स में दिख जाएगा, बॉल के सही में धागे खुल गए। बेचारी RCB के पास एक ही तो रिकॉर्ड था हाईएस्ट टोटल का, वो भी तोड़ दिया। अब इस चक्कर में चेस करने के लिए उतरी मुंबई, मुंबई ने भी उतर के जम के फाइट मारी। पांड्या के स्ट्राइक रेट को छोड़ के सबने मेहनत करी, चेस करके उन्होंने भी चेस का हाईएस्ट टोटल तो बना दिया, मगर चेस करके मैच जिता नहीं पाई। कहना क्या चाहते हो? 246 की टीम ने दम तोड़ दिया और मैच चला गया SRH की झोली में, जिसे देख के काव्या जी तो बहुत खुश हुई, मगर नीता अंबानी ने मिलाया जी आशीष नेहरा को फोन। यार वो प्लेयर वापस हो जाएगा क्या? नहीं जी, बिकावा माल वापस नहीं होता, हम ले रहे आप ही रखो। पर यार अभी भी काफी सारे मैचेस बचे हुए और पॉइंट्स टेबल को उथल पुथल करने के लिए वो काफी है। पॉइंट्स टेबल से याद है, पॉइंट्स टेबल में एक बार नजर डाल लेते हैं। कल के मैच के बाद पॉइंट्स टेबल का हाल कुछ ऐसा है कि पॉइंट्स टेबल में ज्यादा बदलाव नहीं हुए, मगर दो बदलाव आया जिसमें SRH रैंक 3 पे आ गई है और उसके चलते DC भी रैंक अप हो चुकी है क्योंकि मुंबई इंडियंस नीचे जा चुकी है। अब बात कर लेते हैं आज के मैच की, जो कि है मैच नंबर 9, खेला जाएगा सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में और होगा राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। स्टैट्स की बात कर ले तो दोनों ही टीम ने अब तक कुल 27 मैच खेले साथ में और मैच का हिसाब लगभग बराबरी पे है, क्योंकि दिल्ली ने 13 मैच जीते और राजस्थान ने 14 मैच जीत के एक पॉइंट से डोमिनेट कर रखा है। पिछले साल भी इन दोनों के जो मैचेस हुए थे, 3 मैचेस हुए थे, उसमें भी राजस्थान ने 2-1 से लीड कर रखी है और डोमिनेट वहां भी कर रखा है। अभी दिल्ली एक मैच हार के आ रही है तो राजस्थान एक मैच जीत के आ रही है। आइए फटाफट से फिर फैंटेसी टीम बना लेते हैं। ऋषभ अभी अपनी रिकवरी पे है तो मैं कीपर के तौर पे लूंगा सैमसन को, और बैट्समैन की बात कर ले तो हेटमायर चल सकते हैं, यशस्वी पक्का चलेंगे, और हम शाही होप और डेविड वार्नर को कंसिडर कर सकते हैं, पिक करना ना करना आपकी मर्जी है, मगर मैं राजस्थान के प्लेयर्स को लूंगा क्योंकि दिल्ली के प्लेयर्स ने कुछ इतना खास किया नहीं अभी तक। ऑलराउंडर्स की बात कर ले तो अक्षर पटेल हमारे पास फॉर्म में आ सकते हैं और रियान पराग ऑलरेडी फॉर्म में चल रहे हैं। बॉलर्स की बात कर ले तो भाई फिर से यूजी और कुलदीप में से एक को चूज करना पड़ेगा, जो कि मुश्किल काम है, मगर आज के मैच में मैं यूजी को चूज करूंगा। और ईशांत को आप रख सकते हैं, ईशांत में अभी भी वो बात है, वो कर सकते हैं, तो ईशांत को रखना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज के मैच का हाल और ये थी मेरी तरफ से मेरी ड्रीम 11। आप बताइए आप किस किस को रख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कौन जीत रहा है, दिल्ली का बल्ला भारी या फिर राजस्थान, क्योंकि मेरी साइड से तो राजस्थान का भारी, और वो जो ये 7-8 मैचेस से लगातार होम टीम जीत रही है ना, उस लेगेसी को आगे लेके जाएगी और फिर से होम टीम जीतेगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में अगले मैच के बाद, तब तक के लिए कीप वॉचिंग स्पोर्ट बस।